हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी। इसको बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। कभी भी घर में बच्चे या बड़े किसी का भी जलेबी खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं जलेबी बनाना। जलेबी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 कप मैदा। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप दही। ये मैंने घर का ताजा दही लिया है। मैदे और दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको हमें मिक्स करना है। ये देखिए दही मैदा मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पानी अगर हम एक साथ डालते हैं तो मैदे में लम्स आ जाते हैं और इसको हटाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, इसको इस तरह से तेजी से चलाते हुए हम मिलाएंगे। इससे अगर कोई लम्स इसमें होंगे भी सही तो वो हट जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा मेरे को गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता है, बिल्कुल थोड़ा ही पानी लगता है। इसमें उसी तरह से हमें बनाना है जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का हमें चाहिए होगा। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लगभग 5 मिनट के लिए इसको मैं ढककर रख दूंगी। जब तक ये सेट होता है हम चलते हैं गैस की तरफ और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 कप पानी। जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें पानी लेना है, और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। ये हम सेम क्वांटिटी में लेंगे। चीनी और पानी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए चीनी मेल्ट होने लग गई है। इसको हमें लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, नहीं तो ये तले पे जमने लग जाती है। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें कोई शुगर क्रिस्टल नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको डालने से जलेबी पर चाशनी की परत नहीं चढ़ती है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर। केसर को मैंने 1 चम्मच दूध में घोल लिया है। केसर को डालने से कलर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसको लो फ्लेम पे लगभग 2-3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। जब तक चाशनी पकती है हम चलते हैं डो की तरफ और जलेबी की तैयारी कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। इसको इस तरह से लगभग 1 मिनट के लिए हम चलाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। ये इस तरह का हमें चाहिए होगा। अब इसको हम एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग यूज किया है। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग ना हो तो आप नॉर्मल दूध की थैली भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको एक गिलास पे रखेंगे, अच्छे से इसमें होल करेंगे और इस तरह से स्पून से हम इसमें भर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं भरना है, इसको हमें आधा ही भरना है। इस तरह से इसको अच्छे से पैक करेंगे ताकि ये पीछे से निकलने नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूं। बहुत ज्यादा बड़ा छेद हमें नहीं करना है।
ये देखिए ये बहुत ही अच्छा छेद इसमें हो गया है, ये आराम से निकल रहा है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और जलेबी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें जलेबी डालेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें जलेबी को डालना है और लास्ट में हमें इसको पैक कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ और लास्ट में इसको पैक कर दिया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम जलेबी डालेंगे, एक साथ बहुत सारी नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। घी में तलने से जलेबी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। ये तलकर थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। जलेबी बनाने के लिए हम फ्लैट बर्तन लेते हैं, बट ये सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सेमी फ्लैट कढ़ाई ली है। आप भी इसी तरह का कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। ये देखिए तलकर थोड़ी थोड़ी ऊपर आ गई है, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए सभी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गई है। जलेबी को तलकर सीधा हम चाशनी में ही डिप करेंगे और चाशनी हल्की सी गर्म भी होनी चाहिए, इससे जलेबी में चाशनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है। ये देखिए इसको निकाल कर मैं सीधा चाशनी में डाल रही हूँ। ये सभी जलेबी को मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब इसको हम एक स्पून से इस तरह से अच्छे से डिप करेंगे, दोनों साइड से उलटते पलटते चाशनी में डिप करना है। ये देखिए चाशनी में बैठने लग गई है जलेबी, मतलब ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी जलेबी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, बाकी बची हुई जलेबी भी हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। ये सभी जलेबी बनकर तैयार हो गई है, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। अब हम इसको पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। पिस्ते को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इस तरह से मैं इसको गार्निश करूंगी। इसी के साथ इंस्टेंट जलेबी बनकर तैयार हुई। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।